अक्सर बोलते थे चलो अब बात करते हैं स्टंट की, हमारी तो वैसे ही हम सब गीले गीले हो जाते थे. शी डेफिनेटली शुड विन बिकॉज दम है लड़की में. फर्स्ट एक वेब सीरीज की शूट मैं अभी करने जा रही हूँ 15 तारीख को. Hey guys, this is Naina Banerjee and you guys are watching me on FIFA Foos. थैंक यू. दो महीने बाद आप लोगों को मिल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई मिस्ड यू गाइज. सो इंडिया में ही आके बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स डिफरेंट. बहुत गर्मी है भाई यहाँ पे, बहुत गर्मी. आई मीन वहाँ पे इतनी ठंडी है कि यहाँ की गर्मी बर्दाश्त करने के बाहर है. बट बहुत अच्छा लग रहा है घर का खाना खा के, मॉम से मिलके, भाई से मिलके, अपने बेस्ट फ्रेंड्स से मिलके. इट्स अ गुड वाइब, इट्स अ गुड फीलिंग टू कम बैक होम. बट सच कहूँ तो मैं केप टाउन अभी भी मिस कर रही हूँ. ऐसा अब लग रहा है जैसे यू नो थोड़ा सा और हिम्मत करके और स्टंट्स करते ताकि ना सुपरमैन वाली फीलिंग आ जाए कि हम कुछ भी कर सकते हैं. मुझे गाड़ी का स्टंट नहीं मिला, उस चीज़ का बहुत दुख है. बिल्कुल. आई होप सो. इट वॉज सो टुमल्टस बिकॉज एक तो केप टाउन इतनी सुंदर जगह है, ऊपर से वेदर उतना ही ख़राब है. एक ही दिन में आप इतने वेदर्स देख लेते हो, प्लस वो सब टॉलरेट कर सकते लेकिन ठंडी हवा टॉलरेट नहीं कर सकते, वो पूरे आपको उड़ा देती है पता है. तो वो बहुत भयानक था. एंड बाकी तो अप्स एंड डाउन्स बहुत हुए हैं. हम सबकी जर्नी देखने लायक है, बहुत डिफरेंट रही है एंड सबकी पर्सनालिटीज़ इतनी अलग है ना, सबको देखने में बड़ा मज़ा आएगा कि कौन कैसा है. आप लोगों ने तो काफ़ी फन किया है केप टाउन में. रोज़ हमें इंस्टा पे वीडियोस मिलती थी, क्या कहना है वो फन को कितना मिस कर रहे हो. खिलाड़ी यू नो जब स्टंट नहीं होता था सच में हम लोग बहुत मस्ती करते थे, क्योंकि जैसे ही स्टंट की बात आती थी ना रोहित सर बोलते थे चलो अब बात करते हैं स्टंट की, हमारी तो वैसे ही हम सब गीले गीले हो जाते थे कि हम लोग अरे बाप रे अभी पता नहीं क्या करना पड़ेगा हम लोगों को. बट आई एम सो ग्लैड कि हमारे टीम में लोग इतने अच्छे थे कि सबके साथ बॉन्डिंग बहुत आसान था. कोई भी नकचढ़ा नहीं, कोई भी डिफिकल्ट नहीं, टैंटरम नहीं, कुछ नहीं. एवरीबडी वॉज सो स्वीट यू नो. एंड आई थिंक अपने अपने इंडस्ट्री के काफ़ी पॉपुलर लोगों को लाया गया था, विच इज़ अ गुड सेटअप. इट वॉज अ गुड मीट, एक दूसरे को जानना. तो बहुत मज़ा आया सच्ची. डीनो है, डीनो तो 100% है. पता नहीं, आई थिंक सबका आंसर्स वही रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग से ही उसने इतना अच्छा कमाल किया है. अर्जित भी बहुत सही था, ऐश्वर्या भी बहुत अच्छी थी. अश्वर्या और मेरी जर्नी काफ़ी सिमिलर है वैसे देखा जाए तो. अर्चना वॉज ऑल्सो वेरी गुड, आई एम टेलिंग यू. उसका एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं था, लोगों ने आई थिंक मुझसे और अर्चना से एक्सपेक्ट नहीं किया था शायद इतना ज़्यादा. बट शी इज़ अ सरप्राइज पैकेज, आई टेल यू, शी वॉज अमेजिंग. आई थिंक शी इज़ किलिंग इट नाउ. मैं इनिशियली मैं कुछ देख नहीं पाई, इंस्टा पे जो देखती हूँ वही देखा है. बट अभी मैंने कुछ देखा जहाँ पे वो चेयर के ऊपर बैठी थी और लोग उसके ऊपर क्या क्या डाल रहे थे यू नो, तो थोड़ा बुरा लगा. बट यू नो लड़की काफ़ी गट्सी है, शी इज़ बिकमिंग स्ट्रॉन्गर डे बाई डे. आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, बहुत अच्छा लग रहा है. सी खुद के लिए स्टैंड वो लेती है लेकिन वो तभी लेती जब उसका पारा चढ़ जाता है. वो उस मामले में मेरी तरह है, थोड़ी सी पेशेंस है, शांत है. बट व्हेन शी लूजेस इट ना देन शी लूजेस इट. तो मेरा और उसका वो वाला काफ़ी सिमिलर, इसलिए हम लोग आई थिंक बेस्ट फ्रेंड्स. अब हम लोग ऐसे ही बन जाते हैं जो थोड़ी चीज़ में सिमिलर होते हैं. तो बट आई थिंक नाउ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्ले कर रही है और वो बहुत अच्छा कर रही है. जो हर लेवल में ना थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही लिमिट्स पुश कर देते हैं. एंड मैं शायद इसीलिए मुझे जाने के लिए मेरे को वियर्ड लगता है कि आई डोंट नो. और मैं ऐसी टाइप की हूँ नहीं कि मैं चीखूँ चिल्लाऊँ और वैसा करूँ. ऑफकोर्स मेरा दिमाग सड़ गया तो मैं करूँगी, लेकिन आज भी सब लोग पूछते रहते हैं कि आपको जाना चाहिए जाना चाहिए. बट आई एम श्योर वो अभी हैंडल कर रही है, डील कर रही है, जब आप तो पलट के ज़रूर देगी. सो देर आर सम टी वी ऑफर्स. एक वेब सीरीज़ की शूट मैं अभी करने जा रही हूँ 15 तारीख को एंड कुछ मूवीज़ के भी ऑफर्स हैं. बट आई नीड टू टेक अ कॉल कि मेरे करियर के लिए, फाइनेंसिस के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से मैं कॉल लूँगी एक दो हफ्ते के अंदर. एंड देन यू गाइस विल गेट द न्यूज़ ऑब्वियसली. जी, आपकी अर्ली बिग बॉस और पीटी विनर.
वाओ, कूडोस टू हर एंड शी डेफिनेटली शुड विन बिकॉज दम है लड़की में, जब करना रहता है वो करके दिखाती है. थोड़ी स्लो होती है कभी कभी, बट आई थिंक शी पिक्स इट अप वेल एंड आई होप शी डज इट रियली वेल. शी विल मेक मी रियली रियली, शी विल मेक एवरीबडी सो प्राउड. थैंक यू सो मच.